हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। आज हम बना रहे हैं मुंबई का मशहूर मसाला सैंडविच। मसाला सैंडविच बनाने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, आइए देखें। देखिए, मैंने 4 बड़े आलू उबालकर साफ करके छील के रख लिए हैं। आधा चम्मच मैंने देसी घी लिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने मीठा तेल सोयाबीन ऑयल लिया है। 10 से 12 पत्ते मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं। आधा चम्मच मैंने राई ली है। 5 हरी मिर्ची को साफ़ करके मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया मैंने साफ़ करके बारीक चॉप कर लिया है। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। आधा चम्मच नमक लिया है। 1 बड़ा प्याज बारीक मैंने चॉप कर लिया है। यह हरी मिर्ची की चटनी, इसकी रेसिपी की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ये मेरे 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ये आधा कटोरी मैंने टमाटो सॉस लिया है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं मुंबई का मशहूर मसाला सैंडविच। वैसे तो ये मुंबई का बहुत फेमस मशहूर है, बाकी ये बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आता है। बच्चों की से बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। आप इसे बना के अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकती हैं, नाश्ते में भी इसको बना सकती हैं। बहुत अच्छी बनती है। एक बर्तन में आलू लेकर हम इस फोर्क की मदद से इसको मैश कर लेंगे। इसमें एक भी लम्ब नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल स्मूथली अपन इसको फोर्क की मदद से करेंगे। ये बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए, सभी 4 आलूओं को हम इसी तरह से मैश कर लेंगे। इसी तरह से हमने सब 4 आलूओं को हमारे मैश कर लिया है। इसमें ज़रा सा भी लम्ब नहीं है, एकदम स्मूथ है। ये देखिए, आइए हम इसका बघार करते हैं। देखिए, बघार के लिए हमने एक ये कढ़ाई रखी है। अब हम गैस ऑन कर देते हैं। 1 मिनट उसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। देखिए, गर्म हो गई। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। देखिए, ये तेल डाल रहे हैं हम इसमें। तेल थोड़ा सा हो जाए हमारा। देखिए, तेल गर्म हो गया है हमारा। अब हम इसमें ये राई डाल रहे हैं। देखिए, ये राई तड़क रही है अच्छे से। देखिए, इसके बाद ये हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ते के बाद हम ये प्याज डाल देंगे। देखिए, बारीक कटा हुआ प्याज है। देखिए, ये प्याज हमने डाल दी है। अब इसको हम हल्का हल्का ब्राउन करेंगे ये कड़ी पत्ते से। देखिए, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है और इस बहुत अच्छा लुक भी देता है, बहुत अच्छा स्वाद भी देता है। कड़ी पत्ते से स्वाद ना थोड़ा बढ़ जाता है इसका। कड़ी पत्ता इसका मेन इन्ग्रीडियंट है। देखिए, ये हल्की हल्की ब्राउन हो रही है। हमको इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, एकदम काले। अब इसमें हम ये हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची पहले से नहीं डालना। हरी मिर्ची अगर अपन पहले से डाल देंगे तो वो एकदम जल जाती है, तो उसकी काली काली हो जाती है। खाना स्वाद के साथ साथ आँखों को भी अच्छा लगना चाहिए, दिखने में खूबसूरत भी लगना चाहिए। जब दिल करता है कि अब इसको खाओ। देखिए, आप इसमें हरी मिर्ची डालिए। अब हम इसमें ये हल्दी ऐड करेंगे। देखिए, मैंने इसमें ये हल्दी भी डाल दी है। अब इसका कलर एकदम वो हो गया है। अब हम इसमें ये डालेंगे आलू का, जो हमने मैश करे हुए आलू हैं वो हम डालेंगे। इसमें गैस सिम पे कर देंगे। अब हम इसके ऊपर ये नमक डालेंगे। देखिए, ये हमारा एकदम तैयार है बेटर। अब हम इसमें कोथमीर डाल देंगे। इसमें हमने हरी मिर्ची कम ही ली है, क्योंकि हरी मिर्ची की हम चटनी भी यूज़ करेंगे उधर, इसलिए इसमें मिर्ची शुरू में कम ही लेना चाहिए। यह हरा धनिया डाल के गैस सिम करके थोड़ा सा हम इसको ढक देंगे। ये मैंने सिम पे रख दिए। अब ज़रा बस 1 मिनट के लिए भाप में थोड़ा सा कोथमीर सही साठ अच्छे से हो जाए, मैश हो जाए, उसके बाद हम इसको खोलते। देखिए, 1 मिनट हो गया है और ये कोथमीर भी इसमें सही साठ मैश हो गया है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। आँच से उतारें, गैस बंद कर देते हैं। ये मैंने गैस बंद कर दी। बनाना हम शुरू करते हैं मसाला सैंडविच। मसाला सैंडविच बनाने के लिए मैंने 2 स्लाइस लिए। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें ये हरी मिर्च की चटनी हम लगा रहे हैं।
चटनी तीखी है या फीकी है, या आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं, आपको कैसे खाना है। अगर आपको ज़्यादा खाना है तो आप दोनों साइड बहुत लगा लें, ज़्यादा लगा लें, और अगर आपको कम खाना है तो आप एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा लगा लें। मेरे यहाँ बच्चों को किसी को तीखा पसंद है, किसी को कम मिर्ची का पसंद है, इसलिए मैं उनकी पसंद के हिसाब से मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कभी ज़्यादा कभी कम लगाती हूँ। देखिए अब इसके आसपास अपन थोड़ा सा सॉस लगा देंगे ताकि इससे और स्वाद आ जाए। थोड़ा तीखे के साथ साथ थोड़ा सा खट्टा मीठा भी होना चाहिए, इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ। मसाला डोसा बहुत बढ़िया बनता है, बहुत मसाला सैंडविच मुंबई की बहुत फेमस है, आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छी बनती है। देखिए अब हम इसमें परावन के लिए, देखिए जो हमने इसका बैटर तैयार किया था वो मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर। देखिए ये मैं तैयार कर रही हूँ, इसी तरह हम सब तैयार कर लेंगे जितने भी हमारे हैं। आइए इसके लिए हमने एक नॉन स्टिक तवा लिया है, गैस ऑन कर लेते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं, आप चाहे तो बटर भी लगा सकती हैं, मैंने बटर की जगह देसी घी का इस्तेमाल किया है। देखिए ये इसके ऊपर हम ये और लगा देते हैं। देखिए हमने नीचे इसका लगा दिया था, अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा ही लगा देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही। देखिए अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सिक जाए उसके बाद हम इसको पलट देंगे। अगर आप कम बटर या ऑयल यूज़ करती हैं तो आप कम भी लगा सकती हैं, इसीलिए हमने नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है कि इसके ऊपर ये चिपके नहीं। बिना तेल के या थोड़ा कम तेल घी के हम इसको बिना बटर के, थोड़ा कम बटर के भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर ये चिपकेगा नहीं। देखिए ये हमारा बहुत अच्छा सिक रहा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसको थोड़ा कम कम ही सेकेंगे, क्योंकि अंदर जो पका हमने जो सामग्री अंदर यूज़ करी है वो पूरी पकी हुई है, कुछ भी हमको अंदर तक नहीं पकाना है, बस ये ब्रेडों को ब्राउन करना है। ये अच्छे से हमारे सैंडविच सीख चुके हैं, आइए हम इसको सर्व करते हैं। मैं गैस बंद कर देती हूँ। देखिए हम इसकी खूबसूरती के लिए इसको बीच में से थोड़ा सा ऐसे काट देंगे, देखिए ऐसे, फिर हम इसको सर्व करेंगे। देखिए ये मैंने डेकोरेट कर लिया है इसको, आप देख रहे हैं जैसे, अब मैं इसके ऊपर इसको सर्व करती हूँ। देखिए हमने ये सर्व कर दिया है, बिल्कुल मसाला सैंडविच हमारा तैयार है। अब आप इसको अपने घर पे ट्राई कीजिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने घर पे बनाइए, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।